हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मूवी रिव्यू में। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसे सुन के आपका दिल खुशहाल हो जाएगा। चलो दोस्तों, अपना टाइम का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है एक अहम राज्य में, जहाँ उसको किसान के नाम से जाने वाला एक वकील स्टोन ब्रिज शहर में अपनी पत्नी सुलाना और अपने बेटे छोटे जैफ के साथ वहाँ अपना जीवन बिता रहा था। फिर एक दिन शहर में एक कुर्ग आदमी आता है और उनके जीवों को पर हमला करके चला जाता है, और फिर हथियार उठाकर कवच पहनकर लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। फिर वे अपनी साहस और उग्रता के साथ लड़ते हैं उससे। फिर उसके बाद कोई जदोई रूप में ग्लेशियन के द्वारा नियंत्रित होते हैं और अहब को जितना और शासन करना चाहता है। वह हमले के दौरान किसान और अपने दोस्त नैरिक और अपनी बहनोई बेस्टन के साथ उस कुर्ग से लड़ता है और वह अपने बेटे जैफ को बचाने में उससे विफल रहता है। फिर इसके बाद ग्लेशियन में कुर्ग अवतार के माध्यम से उसने उसको मार डाला। फिर कुर्ग माध्यम से ग्लेशियन किसान को पढ़ने में असमर्थ होने का दावा करता है। फिर सुलाना और अन्य स्टोन ब्रिज निवासियों को बंदी बना लिया गया था। फिर मैरिक एक अन्य मैगसन जो कुंड्रीड की सेवा करता है फिर किसान की पहचान जानने की कोशिश करता है ताकि वह उस पर नज़र रख सके। और फिर जब नोरिक की उस पर नज़र पड़ती है, जिसके बारे में उसे पता चलता है कि किसान नोरिक और बस्टियन सुलाना को खोजने के लिए अकेले निकल पड़े हैं। फिर इसी बीच मैरिक की बेटी मुरीला, जिसे गैलेसिन से प्यार हो गया था, उसके काले स्वभाव को देखने पर उसे महसूस हुआ कि वह केवल उसकी शक्ति से ही प्रभावित है, ताकि वह उसे छीन सके और उसके साथ अपना रोमांस भी समाप्त कर देती। जब वह कुल से सुलाना को बचाने का प्रयास करती है तो किसान को मार गिराया जाता है और फिर नैरिक और बेस्टन को पकड़ लिया जाता है। फिर किसान को नैरिड और उसकी सेवा में शिविर में ले जाया जाता है, जहाँ पर मैरिक को पता चलता है कि जो उसका बेटा कॉन्ड्रीड लंबे समय से खोया हुआ है, उसका असली नाम तो कैमडेन कॉन्ड्रीड है। और वह बताता है कि कई साल पहले एक युवा और किसान ऑक्सपोस नामक स्थान पर लड़ाई के दौरान मौजूद था और वहाँ उसे नागरिक ने पाया था। फिर किसान सुलान को ढूंढता है। फिर उसकी लड़ाई अंतिम ग्लेशियन से होती है। फिर ग्लेशियन बढ़ने से उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है और अंत में वह अपने बेटे का बदला लेने के बाद और राज्य बच जाने पर किसान और सुलाना खुशी खुशी फिर से एक हो जाते हैं। अगर आपको दोस्तों ये मूवी का स्टोरी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस मूवी का नाम जानना है तो कमेंट करें और मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।